मॉर्निंग क्लास सिक्स, कैसे हैं आप लोग? आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, चलिए खुशी में थोड़ी सी गंभीरता लाते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज एक अजीब सा टॉपिक है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जो आपकी ये बुक है ना सोशल स्टडीज की, इसमें पेज 59 से ये टॉपिक शुरू होता है और इसके ऊपर लिखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री माने इतिहास। जानते हैं आप हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं और इतिहास का मतलब है कि हमारा पास जो बीत गया वो कैसा था। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करते हैं। आपकी सोशल स्टडीज के तीन पार्ट हैं, एक तो ज्योग्राफी है जिसको हम भूगोल कहते हैं, एक हिस्ट्री है जिसको हम इतिहास कहते हैं हिंदी में, और एक सिविक्स है जो नागरिक शास्त्र कहलाती है या पॉलिटिकल साइंस। ये आपका एक पार्ट है तो वो हम बताएंगे। अब आप इतिहास में देखिए, ये टॉपिक है व्हेन, वेयर एंड हाउ। मतलब पूरे मनुष्य जाति, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा देश, पूरा विश्व, कैसे, क्या, कब। देखो बच्चों, किसी भी चीज को जानने के लिए हमको पहले उसका पिछली चीज जाननी होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य के बारे में जानना है तो हमको पहले ये जानना होगा कि ये कहाँ रहते थे, कैसे पैदा हुए, कैसे हम मनुष्य बने। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो आदमी है वो एनिमल है और फिर वो एनिमल से डेवलप होकर के मनुष्य बना। कब बना, कब हमने ये घर बनाने शुरू किए, कब हमने ये किले और महल बनाने शुरू किए, कब हम एक साथ रहने लगे, कब हमारा कल्चर जानवरों से अलग हुआ। ये सब जानने के लिए हमको इतिहास को, अपने अतीत को देखना पड़ता है। जैसे अगर आप इनके बारे में जानना चाहें जवाहरलाल नेहरू के, तो अगर आपसे एकदम से कहा जाए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, आप सोचेंगे कौन है राजेंद्र प्रसाद, कौन है नेहरू जी, कहाँ से आए। तो इनके बारे में फिर कैसे पता करना पड़ता है, शुरू से इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनका बचपन कहाँ बीता, ये कहाँ पढ़ने गए, और उसके बाद कैसे भारत आए और यहाँ पर यहाँ की राजनीति से इन्होंने शुरू किया अपना। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे, बीच में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं रुक गई थी, हम आपको बता रहे थे कि कैसे हिस्ट्री जानते है ना। अब देखो हिस्ट्री का कैसे पता चलता है, अतीत का पता कैसे चलता है, हजारों साल हो गए हमारी पृथ्वी को बने हुए, हो गए ना, तो हमको कैसे पता चला हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी, लोग कैसे थे यहाँ के, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। कुछ तो बच्चों हमको पता लगता है लिखा हुआ अगर कुछ मिल जाए, या चित्र बने हुए मिल जाए कहीं पर, या कोई हमको बताए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह कई बार ऐसा होता है, देखो अपने घर के बारे में ऐसा होता है ना कि हमारे दादाजी बता रहे थे कि हमारे घर में जो उनके पिताजी थे वो ऐसे थे, या हमारी माता जी बताती हैं कि जो हमारी नानी थी वो ऐसी थी, ननिहाल ऐसा था, पहले ऐसा होता था। अक्सर घर में बात चलती है कि पहले 2 रुपए किलो घी मिलता था असली घी, है ना, और अब तो हो गया 800 रुपए किलो।
तो इस बारे में बातें चलती रहती है। ये क्या कि पहले जो घर बनते थे गांव के, जो पुराने घर हैं आप देखिए अभी भी वो, सॉरी अभी भी वो झोपड़ी टाइप जो पुराने घर है, खंडहर टाइप है, उनमें आप देखिए वैसी ईंटें लगी होती हैं जो बड़ी बड़ी होती है। अभी अभी के जैसे ये टाइल्स वगैरह तो सब सही है, सब या तो फिर ईंट की फर्श होती थी या उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता था, दैट वाज एनफ। आप देखिए आपके जो दादा जी के पिताजी होंगे ना, साइकिल पे चलते होंगे, पहले साइकिल चलाते होंगे, पहले किसी के घर में अगर साइकिल होती थी तो माना जाता था कि वो बहुत पैसे वाला है, साइकिल से स्कूल आता है। उसके बाद में आजकल तो साइकिल का कोई मतलब ही नहीं रहा, हर घर के सामने कार खड़ी, शायद थोड़े अगले 50 सालों में हर घर के सामने हेलीकॉप्टर भी खड़े हो सकते हैं, उड़ने वाली कारें बन सकती है, ठीक है। अब देखो जैसे एरोप्लेन है, आपने पढ़ा है पुष्पक विमान, सुना होगा, पढ़ा तो नहीं, सुना जरूर होगा कि द्वापर युग में भी पुष्पक विमान हुआ करता था, जिसमें बैठ करके जो रावण था वो जाता था और उसके बाद राम उसमें बैठ के अयोध्या आए। अयोध्या से कुछ याद आया? हाँ, वही अयोध्या जहाँ फिर से राम मंदिर बन जाए, तो वही राम आए थे, लंका इतनी दूर है, श्रीलंका से समुद्र पार करके और अयोध्या आए थे सबके साथ में। और ऐसा कहते हैं कि वो विमान ऐसा था, बटन दबाओ तो उसमें स्पेस बढ़ जाता था, सारे के सारे लोग उसमें आ जाते थे जितने बैठना चाहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसी में सीता जी का हरण करके रावण ले गए थे और उसपे तब तो दो ही लोगों के बैठने की जगह थी, तो ये बदल से छोटा बड़ा किया जा सकता था, ऐसा विज्ञान था। और ये हमको रामायण में भी मिलेगा, जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है और जो तुलसीदास ने लिखी है। तो बच्चों ये सारी बातें हमको इतिहास से ही पता चलती है, या तो कहीं लिखा हुआ हो या कहीं जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, यहाँ भीमबेटका है, भीमबेटका वहाँ चले जाइए तो वहाँ जो गुफाएं है ना उनके अंदर चित्र बने हुए मिलेंगे दीवारों पर, और अभी भी वो चित्र ऐसे हैं जो उनमें चमक बाकी है। तो कैसे होता जाए, लोग कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, ये सब हमको कैसे पता चलता है, यही सब चीजों को देख के। और लोग अभी भी देखने जाते हैं और सोचते हैं क्या लोग ड्राइंग बनाते थे, और उससे हमको पता चलता है अगर अजंता और एलोरा की गुफाएं उन पे नंबर पड़े हुए हैं बच्चों, उन गुफाओं पे 1, 2, 3, 4 अगर हम वहां जाकर देखें तो वहां इतने सुंदर चित्र बने हैं, जानवरों के चित्र हैं, जैसे घोड़ा है, हाथी है, इसके अलावा इनके अलावा राजाओं के चित्र बने हुए हैं और भगवान शंकर हैं, मतलब ऐसा लगता है देखकर, पशुपतिनाथ ऐसा लगता है देख के कि उस समय भी हम आराधना करते थे, पूजा करते थे, और ये जो जानवर थे जैसे गाय है इनके चित्र बने हुए हैं, इससे पता लगता है कि उस समय हमको इन जानवरों की पहचान हो गई थी और हम इनको पालने लगे। देखो बच्चों शुरू में ऐसा बताते हैं, साइंस ये बताती है कि जो हम और आप थे ना, पूरे विश्व में रहने वाले लोग शुरू में अकेले रहते थे जब जन्म हुआ, और बंदर की तरह चलते थे, ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, नंगे रहते थे जैसे जानवर रहते हैं, कपड़े थे कहाँ जानते ही नहीं थे, और ये पेड़ पत्तियां या फल तोड़ के खाते थे, जो भी दिख जाए, आप जानते हैं जानवर को कुछ भी दे दो, छोटा बच्चा है जैसे अगर वो चल रहा है ना, आप उसे कुछ भी दीजिए वो मुंह में डालता है सबसे पहले, इसीलिए मम्मी लोग दौड़ के कहीं कोई चीटे या चीटी को ना मुंह में डाल दे, है ना, नुकसान होता है। तो क्या था, इससे पहचान करते सबसे पहले, अब तो देख के करने लगे, पहले मुंह से काटते करते थे, उससे पता चलता था, मुंह से खाया अगर स्वाद अच्छा लगा तो उसको समझ में आया इसका स्वाद अच्छा है। जैसे आप देखिए ना, जानवर भी समझते हैं, कई बार ऐसा होता है वो सुन के छोड़ देते हैं, अगर ऐसी चीजें जो सड़ी है या
खराब है तो वो सुन लेंगे और छोड़ देंगे, उनमें भी समझ होती है कि किस तरह हम अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। इस तरह धीरे धीरे जो लोग थे वो आगे बढ़े, फिर एक से दो हुए, दो से तीन हुए, उसके बाद क्या था, देखो दुनिया में हर तरह का मौसम है, कहीं पर खूब पानी बरसता था, जहाँ खूब पानी बरसता था लोग वहाँ से थोड़े अलग हटे, और जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ से इधर आए जहाँ पानी था। उसके बाद कभी बरसात हुई होती, देखो ये सारे अनुमान होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, कभी बरसात हुई होगी और कोई बीज उगा होगा, लोगों ने देखा होगा तो उसकी समझ में आया होगा कि यह जो बीज है ना उसे चखा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो धीरे 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 उनके मन में ये भावना आई। कैसे आई पता नहीं, कि हम इस चीज को जमीन में गाड़ दें तो खेती हो सकती है, और नदी के किनारे पानी जहाँ मिले वहाँ रहना चाहिए, ना तो बहुत बरसात हो और ना बहुत सूखा हो, तो वो नदी के किनारे रहने लगे। इससे हमारी गंगा यमुना ये नदियाँ थी, बहुत पुरानी नदियाँ, सरस्वती नदी जो पहले राजस्थान के बीच से होकर बहती थी, ये उनके किनारे रहने लगे। अब जब रहने लगे तो इनको पता लगा कि जानवरों से बचाव के लिए अगर हम कई लोग होंगे मिलकर के रहेंगे तो हम जानवरों से भी बच सकते हैं, और जो लोग हमारे ऊपर हमला करते, क्योंकि उस समय भी ये था कि ये तो इस जगह रह रहे हैं, इनसे ये जगह छीन लो, लड़ाइयाँ होती ही होगी, तो ग्रुप में रहने लगे। ग्रुप में रहने लगे फिर खेती करने लगे, जब खेती करने लगे तो उनको लगा कि हमको एक जगह सेटल होना चाहिए, खेती कैसे काटेंगे क्या करेंगे, पहले हाथ से नोचते रहे होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि पुरानी चीजों को देख के कल्पना की जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे औजार बने, जिसको हम आपको बताएंगे। जब लोहे का समय आया, लोहे से चीजें बनने लगी तो ये बनने लगे, और फिर जो लोग थे वो क्या करने लगे, एक साथ रहने लगे, गांव बसने लगे, गांव बसने लगे, और लोगों के बीच में धीरे धीरे संबंध बनने लगे। अब एक ही माता पिता से उत्पन्न तो भाई बहन हो गए, और पति पत्नी इस तरह संबंध बने। पहले लोग जैसे भी रहते हो, उसके बाद धीरे धीरे विवाह संबंध शुरू हुए, और देखो आजकल कैसा जीवन हो गया है हम लोगों का, इतना अच्छा हो गया है। तो ये सब चीजें जो होती है बेटा इतिहास से पता लगती, और हमने आपसे कहा कि इसके लिए या तो कहीं लिखा हो, या कहीं पढ़ा हो, या किसी ने बताया हो। तो जो पुराने लोग हैं, जैसे हम अपने बड़े भाइयों से, फादर से, मदर से पूछते हैं, जो पुराने लोग हैं वो सुनी हुई बातें बताते हैं कि हमने ये बात सुनी है, ऐसा हुआ, और इस तरह से हम आगे बताते हैं। कुछ ऐसी है बातें जो स्कूल में बताई जाती, तो इस तरह करीब 2500 ईयर पहले जो सिटीज थी वो डेवलप थी नदी के किनारे। देखो सबसे ज्यादा डेवलप जैसे बनारस से काशी वाराणसी गंगा के किनारे, और या मथुरा यमुना के किनारे, लखनऊ सरयू नदी के किनारे, गोमती सरयू के किनारे, तो अयोध्या है। धीरे धीरे ये जो शहर थे ये डेवलप होने शुरू हुए, अलाहाबाद गंगा और यमुना का संगम है तो उसके संगम पे हुए, और इस तरह देखो राज्य शुरू हुए, राज्य शुरू हुए तो युद्ध शुरू हुए। गंगा के उत्तर में पश्चिम दक्षिण देखिए मगध राज्य था। अब क्या हुआ, जब युद्ध शुरू हुए तो जानवरों का उपयोग किया जाने लगा, और तब पहली बार शायद हाथी और घोड़ों का उपयोग हुआ होगा, क्योंकि उस पर बैठकर लड़ने से आसानी पड़ने लगी लोगों को, तो उस पर बैठ के लड़ने लगे। पहले तो तीर कमान चलाना सीखा था इन्होंने, जानवरों को मारने के लिए पत्थर चलाते थे, फिर तीर कमान चलाना सीखा। अभी भी बहुत से बच्चे हैं वो पेन होते हैं ना, पेन में वो लगा करके और बनाते हैं, और उससे क्या करते हैं वो
छोटे छोटे दूर दूरी तक कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। आपने वो सुना होगा सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का, उनकी उंगली पे रहता है, रहता था और सर काट के वापस आ जाता था। ये अजीब सी बात है, लेकिन नहीं अजीब है। अफ्रीका में कुछ ऐसे कबीले हैं, कबीला जो जंगल में लोग रहते हैं, हारपून, उनके पास हारपून नाम का एक औजार होता, हथियार होता है, उससे क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं और जानवर को मार के वो हारपून वापस उनके पास आ जाता है ना, कितनी आश्चर्य की बात। तो हम इस बात को जानते नहीं थे, लेकिन पढ़ने से ही तो पता चला, आपको भी नहीं पता होगा, आज पता चला होगा कि हारपून होता है। तो इस तरह हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। अभी देखिए आपके बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बटने लगे लोग, जहां पर उनको मौसम और अच्छा मिलता था, मिट्टी अच्छी मिलती थी, रहने की सुविधाएं थी, वहां रहने लगे। नदियों के किनारे जितनी भी नदियां थी विश्व में, उनके किनारे लोग रहने लगे और धीरे धीरे जहां वो जिन टुकड़ों में रहते थे उन टुकड़ों का नाम पड़ने लगा, ठीक है। हमारे देश का नाम भारत है। कैसे पड़ा, आपको कहानी बताई थी कि एक राजा दुष्यंत थे, उनके बेटे का नाम था भरत। तो भरत जो था वो क्या था, इतना शक्तिशाली था छोटा बच्चा कि शेर का ऐसे मुंह ऐसे करके उसके दांत गिरता था। जब वो इस जमीन के टुकड़े का मालिक बना, राजा बना, तो इसका नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आर्य लोग आए पहले, तो इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु की वजह से यहाँ रहने वालों का नाम, जो ग्रीक वगैरह के निवासी है ना, वो सा को हा बोलते हैं, तो इसका नाम हिंदू पड़ गया और फिर इंडस वैली से ये हिंदुस्तान बन गया। तो इस तरह अलग अलग जो लोग थे उनकी वजह से भारत का नाम अलग अलग हो गया। और फिर इस तरह हर जगह जो अलग अलग नाम थे वो लोगों के अलग अलग पड़े। अब देखो, अब हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत पहले की बात है, अब आप हमको, हम आपको फिर कुछ बता रहे हैं कि इतिहास, पहले की बात जो हमने आपको बताई। आप चित्र देखो बच्चों, इसमें आप देखिए टूल्स, पोल्ट्री एंड वेपन्स, हथियार देखिए, टूल्स देखिए, कैसे थे जिससे कि जानवरों को मारते थे, ये चित्र बने हैं आपके, इनको आप देखिए। उसके बाद में प्री हिस्ट्री, 19 लाख साल पहले, 19 लाख क्या चीज होती है, इस समय जो रिकॉर्ड था, इस समय का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ रिकॉर्ड है जो हमको शिलालेख पे मिल जाता है, शिलाओं पे लिखा हुआ, वही हमको अवेलेबल है। वो भी पहले लिपि तो थी नहीं, कोई चित्र बनाते थे जिससे कि लोग समझ लेते थे कि ये क्या है। उसके बाद बच्चों, ये जो हिस्ट्री है ना, ये कहाँ कहाँ से हमको मिलती है, ये चीजें जो है हमको कहाँ से मिलती हैं, जिससे हम जान सके कि कैसे ये सब हुआ। तो हिस्ट्री हमको सबसे पहले मिलती है आर्कियोलॉजी, क्या होता है ये सोर्स, सबसे पहला सोर्स है हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है ये बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जब किसी भी जगह को, जमीन को खोदा जाता है तो नीचे कई ऐसी चीजें हमको मिल जाती हैं जिनसे हमको पुरानी हिस्ट्री पता लगती है। अब देखो तुमको बताएं, क्योंकि आप अभी के हो इसलिए आपको बता देते हैं, जहां पर राम मंदिर अभी बन रहा है
वहां पर जब खुदाई की गई थी तो नीचे से वो महल निकले, वो ईंटें निकली, वो चीजें निकली जिनके ऊपर राम लिखा हुआ था। और देखने से पता लगता था, अब आजकल तो इतने सोर्सेस आ गए हैं साइंस के कि पता लग जाता है कि ये कितने साल पुरानी चीज है, जिससे कि सिद्ध हो गया कोर्ट में कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था तो तोड़कर। तो इसकी वजह से हमको पता लगता है जब खुदाई होती है, ठीक है, तो उससे पता लगता है हमको कि यहाँ पर खुदा में नीचे से बर्तन निकले, झांसी में खुदाई हुई, महारानी लक्ष्मीबाई का जो किला है उसके आसपास वहां से तलवारें निकली बड़ी बड़ी। उस समय की सरकार ने बाकी खुदाई रोक दी थी, अगर रोकती तो, अगर ना रोकती तो शायद और भी चीजें निकलती। तो वहां से बड़े बड़े बर्तन और वो चीजें, तलवार जो उस समय यूज होती थी, ये सब चीजें निकलने लगी। तो लोग थे वो शोर मचाने लगे और निकालो, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रोक दिया और उसको बंद कर दिया। इसी तरह बच्चों गुजरात में जाएं तो वहां पर एक पर ये जो भीम थे द्वापर युग के भीम पांडव, उन्होंने विराट नगर में क्या किया था, क्योंकि इनको वेश बदल के रहना पड़ता था, तो इन्होंने रसोइये का वेश रखा था भोजन बनाने का, जिससे इनको कोई पहचान ना पाए। तो क्या था वहां पर, अभी भी जिस बर्तन में ये भोजन बनाते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वहां पर अभी भी एक व्यक्ति ने अपने घर में वो बर्तन बंद कर रखे हैं, वो खोलता नहीं है। कभी कभी जब रिक्वेस्ट करो पैसे लेके दिखाते हैं। देखो मैंने सुना है, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म है क्योंकि तो ताला लगा था उस घर में, तो अंदर लोग बता रहे थे अंदर बर्तन रखे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला तो हम देख नहीं पाए, लेकिन सुना। और मुझे नहीं लगता कि पुराने लोगों की कही हुई बात ये गलत होगी, क्योंकि द्वापर युग के अवशेष पुष्ट होने के 2500 साल पहले की तो बात है, अभी भी मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है खोजने से उन्हें हमको अपनी हिस्ट्री का पता लगता है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप देख रहे हैं कि पुराने समय में पिरामिड्स बने, ठीक है, ये जो पिरामिड्स थे इतने बड़े बड़े पत्थर और सिंगल पत्थर के बने हुए, मेरा बीच में कहीं रोल नहीं है अच्छी तरह, और बिल्कुल वीरान है सहारा मरुस्थल से, बिल्कुल वीरान है कि जिस में जहाँ पर ये बने हुए हैं सरकार के साथ आश्चर्य से एक है। वहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं और देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, हमको भी होता है कैसे बने। अब तो वहाँ जाना आसान हो गया है, पहले तो जाना बहुत कठिन था क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, अपनी गाड़ी करके जाना पड़ता था और कई टूरिस्ट को साथ में जाना पड़ता था क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये तो थे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब देखो बच्चों, खुदाई में जो चीजें निकली हैं, हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये देखो हाथी, देखो हाथी है, ये एक प्रतिमा है मनुष्य की, देखो ये कैसे कपड़े पहनते थे, और ये गाय है शायद, है ना, तो ये चीजें निकली है। इस समय वहां की सभ्यता कितनी महानदी होगी, कितनी बड़ी नदी होगी, इससे पता चलता है, ठीक है ना। अब हम आपको आगे तो फल बताएंगे, आज के लिए हम आपको काम बता रहे बच्चों, आपको क्या करना है। देखो ये लेसन लिखना है आपको, इसका नाम, और उसके बाद आपको एक तो ये पिरामिड्स बना लीजिए, ये बनाना आपका अपनी कॉपी में, और दूसरे आप क्या बना सकते हैं ये मुझे बताइए। अगर आप कुछ भी नहीं बना सकते तो आप ये लिखिए, ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से जो हमने आपको
अभी चित्र बताया है वो बना लीजिए, ठीक है, और बाकी तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कल करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, इस लेसन को पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह जन्माष्टमी मनाओ, आपको पूरी कन्हैया हो आप लोग तो क्या कहना आपसे, ठीक है, अच्छी तरह जन्माष्टमी मनाइए, घर के अंदर रहिए, बिना मॉम डैड के पूछे या बिना उनके साथ कहीं बाहर मत निकलना, ठीक है, और बिना मास्क लगाए, ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू।